ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, सत्या नडेला। अच्छा, वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी जगहों के सीईओज हैं ना, पराग, ये ट्विटर के सुंदर पिचाई, गूगल के, वो सब इंडिया से हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग बिल्कुल मज़े में हैं। और आज हम लोग हमने काफ़ी वीडियोस देखी हैं इंडिया पर, इमर्जिंग इंडिया पर भी देखी हैं, लेकिन ये जो इमर्जिंग इंडिया वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं ये है जर्नी ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया की जो जर्नी है पूरी वो हमको थ्रू आउट शायद दिखाई जाएगी। और लिखा है दिस वीडियो विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट सिटीज़ इन द कंट्री। और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग इस तरह से है कि इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर के शायद अब तक जो जो इसमें हुआ है वो हमें बताया जाएगा। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं ये वीडियोस और इनमें नॉलेज भी बहुत सारी मिलती है। और जिस चैनल से ये वीडियो है द मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स, ये काफ़ी अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं। इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चेकआउट करोगे, वीडियो देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। स्टे विद अस। Earphones. This video is about the journey of India, the country which was known as the golden bird of the world, Sone Ki Chiriyah, due to its abundance of culture and tradition, resources, rich heritage and breathtaking art and architecture. But foreign powers looted and made us so weak, put the seed of division between Hindus and Muslims, which still exists on the land. But it's high time now to decide whether we need to fight with each other or stand together to make ourselves strong to protect the sovereignty of our motherland and set an example. India is the country where the biggest number of religions exists. Hinduism is Islam, Sikhism, Buddhism, Jainism, and even India is the country among the highest concentrations of Muslim citizens. अच्छी बात है सारी कि India is the largest and the oldest civilization in the world. It is the 7th largest country by area. The capital of India is New Delhi. हमने अभी दिल्ली की वीडियो देखी है। Buildings. इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। ये ब्रिज याद है, देखा था, ये लोग बता रहे थे इसमें होटल है यहाँ पे। हाँ, इंडिया इज 22 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। गिरगांव चौपाटी, गिरगांव या गुड़गांव, सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ट्रू। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंटर द मार्शियन ऑर्बिट इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। नाइस। बैकग्राउंड में म्यूजिक बड़ा कमाल है। इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर टू मोर देन 90 कंट्रीज। रेकॉर्ड ऑफ नॉट इन्वेडिंग एनी। अदर कंट्री इन द लास्ट 10,000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ये वाराणसी, the steel wires in the Bandra Worli ceiling could stretch around the world. Varanasi is the most ancient surviving city in the world. हाँ, मैं बताया था इसके बारे में, बहुत पुरानी है और बहुत खूबसूरत है। India is among the few countries in the world that manufactures supercomputers. जी, अभी हमने क्रूजेस भी हैं यहाँ सारे, हमने बल्कि इन पे वीडियो भी देखनी है। इंडिया बोस्ट द सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। चनाब ब्रिज इज द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड। वाह। स्टैचू ऑफ यूनिटी। tallest statue in the world. He has one of the lowest divorce rates. अच्छा, divorce यानी होती इतनी? कह रहे हैं lowest rates पूरे दुनिया के मुकाबले. India was one of the richest countries till. The time of British rule in the early 17th century. यार ये कौन सी जगह है? शिमला है कौन सी है? बड़ी प्यारी जगह. माउंटेन पे लगता है. हाँ. India's telecommunication industry. पंजाब लिखा रहा नीचे. Is the second largest in the world. Trillium Mall था. साथ-साथ लिखा आ रहा है. ओडिशा है ये. ओडिशा. हाँ. ओडिशा. India happens to be one of the few satellite launching countries in the world. ISRO. India's capacity to generate electrical power is 300 gigawatts, of which 42 gigawatts is renewable. Indian sports: field hockey, kabaddi, cricket, badminton, football. Disciplines in the country. Goa. Yoga has its origins in India and यार ये bridge check करो जरा. Has existed for over 5,000 years. गुजरात है ये सारा. मध्य प्रदेश. Around 70% of the world's spices comes from India. जम्मू एंड कश्मीर. मसाले शसाले. I think पहले भी हमने देखा था बिहार. क्या? India provides safety for more than बिहार आ गया ना. 3 लाख रेफ्यूजीज ओरिजिनली फ्रॉम श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश एस्केप टू फ्ली रिलीजियस एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन. उत्तराखंड, उत्तराखंड आ गया. इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेरियंस. हाँ, ऑलमोस्ट हर सिटी में चुके हैं. हिमाचल प्रदेश. हो ये नहीं किया हमने. बहुत खूब. हाँ, हिमाचल प्रदेश हमने देखना है. सर रतन टाटा जी, इन पे भी अभी रिएक्शन दिया था. इंडिया इज होम टू द सेकंड लार्जेस्ट पूल. ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, सत्या नडेला. अच्छा, वर्ल्ड में जितनी बड़ी बड़ी जगहों के सीईओज हैं ना, पराग, ये ट्विटर के, सुंदर पिचाई गूगल के, वो सब इंडिया से हैं. कर्नाटका. 10 स्काई स्क्रैपर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन दैट आर टॉलर देन 150. India has the 4th largest railway network. हाँ, आप सुना था सेकंड या थर्ड हो गया. हाँ, ओए होए. अंडमान एंड निकोबार, ये भी एक झलक आई थी हमारी पिछली वीडियोस में. आइलैंड है ना, लक्षद्वीप आइलैंड. मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं इस पे रिएक्शन दो, इस पे देंगे. दिल्ली हमने अभी देखा था, ये सारा वो कॉन्नॉट पैलेस प्लेस वगैरह. लद्दाख, हरियाणा. महाराष्ट्र. भाई जिसने भी शॉर्ट्स लिए ना, लाजवाब. हो ये याद है इंडिपेंडेंस डे पे कैसे सजा हुआ था. तेलंगाना, तेलंगाना. ओह अमेजिंग. ये दिल्ली. अमेजिंग यार, गूज बम्प्स आए हैं. ख़ासतौर पे वो जो म्यूज़िक बैकग्राउंड पे चला ना, वो बड़ा सूट किया. और जिस तरह से इन्होंने स्टार्टिंग में भी बात की कि जब तक डिवाइड नहीं हुए थे, अलग नहीं हुए थे, बड़ा ही बेहतरीन सब कुछ जा रहा था. लेकिन वो जब डिवाइड हो गए तो फिर जाके, उससे पहले सोने की चिड़िया बुलाया जाता था इंडिया को. और बाकी ये है कि डिफरेंट चीज़ें दिखाई हैं. स्पेस का दिखाया, फिर जितने भी बड़े बड़े इंडियन सीईओ हैं डिफरेंट जगहों पे गूगल के, उन सबको दिखाया. फिर डिफरेंट सिटीज़ दिखाई जो उस पे हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं, जो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें पता है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वाकई में इसमें मतलब और डिटेल में, और हर एक शहर को जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है ना, हर एक जगह को, बहुत प्यारा है. और लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, डाइवोर्स रेट्स बहुत कम है यहाँ पर, और 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, बहुत बड़ी कंट्री है। उसके अलावा ये रेलवे का बता रहे थे कि 4th पे आता है, हाँ रेलवे नेटवर्क नंबर 4 पे आता है, जो कि आप मेरे ख्याल से 2 या 3 पे चला गया, क्योंकि बहुत कमाल का रेलवे नेटवर्क है। अभी पता नहीं कौन कौन सी बुलेट ट्रेन और क्या क्या हाइपरलूप भी, क्रूज अभी तक यहाँ पे नहीं देखी, क्रूज भी, जलेश क्रूज शायद मैंने उस पर रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन और भी क्रूजेज हैं उस पर भी हम जरूर रिएक्शन देंगे। स्काई स्क्रैपर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत 10 स्काई स्क्रैपर्स, 22 लैंग्वेजेस और इतने मजहब हैं यहाँ पर, इतने ज्यादा मजहब हैं, और फेस्टिवल्स कितने ज्यादा हैं, बहुत बड़ी कंट्री है। और जैसे कि आप सबको इन चीजों इन सब बातों का पता होगा, लेकिन फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जो मार्शन ऑर्बिट को फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एंटर कर लिया था। वाराणसी जो हमने देखी थी बहुत प्यारी, सबसे एंशिएंट है, पुरानी है, और वहाँ को आज भी आप देखें तो इतनी खूबसूरत लगती है और इतनी प्यारी प्यारी वाइब्स आती हैं। हमने उसकी पूरी एक वीडियो देखी थी। बिल्डिंग्स देखो ना तो पता चलता है कि हाँ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं यहाँ पे, और बड़ी बात है वो अभी तक वैसी ही है, बहुत प्यारी वो है। और ये ब्रह्मास्त्र वहीं पे काफी सारी शूट हुई भी है, और बाकी 2nd लार्जेस्ट मिलिट्री है इंडिया की दुनिया में, और मतलब हर चीज में इंडिया आगे है, इंडिया बहुत आगे है, और लोएस्ट डिवोर्स रेट्स हैं, और इंडिया हैरान हो जाते हैं। हाँ, और अगर वो कह रहे थे कि ब्रिटिश राज वगैरह वाला सारा ना होता ना, तो इंडिया आज पता नहीं कितना और आगे होता। ये इस सब की वजह से जो है ना थोड़ा सा मसले मसाइल पैदा हो गए थे, उस लिहाज से बहुत आगे है। हाँ, और दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा है, बनाने के तरीके बहुत ज्यादा है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है वहाँ 2nd लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। फिर यहाँ की जो कार इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स की बात कर लें, कबड्डी आती है, क्रिकेट आता है, और पता नहीं क्या क्या इसमें आता है। और उसके अलावा जो है सबसे प्राउड की बात कि जितने भी बड़े बड़े ये हैं, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, सबके CEO जो हैं इंडियन है, तो मतलब उनके लिए बड़ी प्राउड की बात है, ये सभी इंडियंस के लिए। और मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें कि काफ़ी तो मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन जो विजुअल्स आए साथ साथ बहुत प्यारे हैं। एक एक जगह का नाम, महाराष्ट्र, ओडिशा, और वो जो एक आइलैंड आया था लक्षद्वीप, वो बड़ा प्यारा लग रहा था। एक मुझे आप लोग काफ़ी लोग कह रहे थे लक्षद्वीप की फुल वीडियो बना डालो, तो उसकी वीडियो भी हम ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। एंड दैट्स इट, आई होप आपको भी हमारे साथ देखने में अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगी होगी वीडियो और आपने एंजॉय की होगी। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हमारे ब्लॉग से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे लेटेस्ट फोटो, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इस तरह आपके लिए नए नए रिएक्शंस लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।